डिप्रेशन में रोते रहते हो, सुंदर तन तुम्हें कोई दिलासा नहीं देता, क्योंकि मन अशांतियों से भरा हुआ है, मन में उछाल उथल पुथल। इसलिए मन की सुंदरता बड़ी जरूरी है। और भगवान राम के विषय में कहा गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान राम स्वयं ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। गोस्वामी जी सोचे कितना मैं रोकूं, निर्मल कपट रहित धार्मिक होना, अच्छा बोलना, बोला पूरा रामायण ही भर जाएगा, दो चार कांड इसी में हो जाएंगे। तो उन्होंने अंत में लिख दिया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब छिद्रों में सब आ गए साहब, जो भी छिद्र आध्यात्म के आनंद गुरु के कृपा प्रसाद से आपको वंचित कर दे, जिस छिद्र से वो सारे रस निकल जाए, भगवान कह रहे हैं वो सारे छिद्र बंद कर लेना। बोला ठाकुर जी इतने हम में दम होता तो हम कर न लेते। बोला गुरु किस लिए हैं, गुरु की सन्निधि प्राप्त करके धीरे 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 सारे छिद्र बंद कर लो, उसके बाद तो इतना सा भी कृपा मिलेगा तो उसी में आनंदित रहोगे। हम तो कृपा रोज, बालाजी से कृपा लिए जाके हो, अमरनाथ से कृपा लिए, वैष्णो देवी से कृपा लिए, कैलाश पहुंच गए, कृपा टिक क्यों नहीं रही, कहां गई कृपा? जब कहीं से लौट के आते हैं तो कहां से, कैलाश जी कहते थोड़ा दो दिन सोएंगे, थक गए, पस्त हो गए। मैंने कल ही कहा गुरुस्थान देवस्थान मंदिर और तीर्थ जाने के बाद व्यक्ति पस्त नहीं होता, बल्कि बांके बिहारी के दर्शन के बाद व्यक्ति मस्त हो जाता है। भैया मस्त हो जाओ, पस्त क्यों, जहां से जाओ पस्त हो गए। अभी भी देखो कितने लोगों का मुंह ऐसा है कि कितना भी कथा, आज सातवां दिन विश्राम है, पर कुछ लोगों ने जो अपनी साइज बना रखी है चेहरे की, वो बदल ही नहीं रहा। मैं पूरा भरपूर कोशिश कर रहा हूं, सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। सदगुरु सूरमा ही होता है साहब, और वो बटरिंग नहीं करता, मक्खन नहीं लगाता। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर। अब क्या तकता है, तुम्हारे भीतर में जो जो दुर्योधन दुशासन रावण सूर्पनखा ये सब बैठे हैं उनको मारता है। तुमको लगता है अरे मेरे तरफ तीर चला रहे हैं, गुरुजी ठीक है आपको हम गुरु नहीं बनाएंगे, दूसरे को बना लेंगे, बना ले हमें क्या कर, हमें भी थोड़ा खाली मिले, कम लोग मिले, दो चार रहे तो ठीक ठाक से पालन पोषण हो। रेजिमेंट खड़ी हो गई महाराज, रेजिमेंट का पालन पोषण कैसे, कैसे उनकी बौद्धिक प्रज्ञा को बढ़ाई जाए। तो निश्चित ही एक बात और है सुशील जी, जीवन में गुरु को भी शिष्य उतने ही वर्ण करने चाहिए जिनको वो सहृदय अपने पुत्रों की तरह नाम और उनके पूरे परिवार और उनके प्रत्येक वृत्तियों के साथ उनको जान सके, इतने ही शिष्य बनाने चाहिए। नाम के लिए लाखों करोड़ों बनाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूं, जो भी हैं इतने उतने मैं सबको पहचानता हूं नाम से, उनके बच्चों को, उनके घर को, और एक अद्भुत हमारा प्यार है उनके लिए, वो मुझे प्यार करते हैं। और बाकी श्रोता काफी है, लाभ सभी उठाएंगे, लाभ सबके लिए। ऋषि की वाणी किसी के लिए रुकी हुई नहीं है, आप जहां जाओगे ऋषि बोल रहे हैं, आप श्रवण करें सुने लाभ उठाएं। पर बात जब फैमिलियर डॉक्टर की आती है, भाई हमारे डॉक्टर साहब हैं तो इतनी गरिमा तो अपने बच्चों को होना चाहिए, भाई अंकल भी हैं मौसा भी हैं फूफा हैं, पर साहब बाप तो बाप होता है, वैसे गुरु तो गुरु होता है, हमारा गुरु तो हमारा गुरु है। इस दुनिया में इतना बड़ा दुनिया है, पर हमको जब बोलना होगा तो क्या कहेंगे, इतने सारे प्लेनेट हैं उसमें पृथ्वी से अच्छा कोई नहीं, पृथ्वी में भी सबसे अच्छा अपना अगर हम बोल दिए संसार, संसार में सबसे अच्छा एशिया, एशिया में भी सबसे अच्छा अपना भारत, भारत में भी अपना सबसे अच्छा अपना उत्तर प्रदेश, और अभी वर्तमान में हम यहां पर हैं, बड़ा उत्तर प्रदेश में भी सबसे अच्छा
अपना वृंदावन, और यहां जो मानने वाले लोग होंगे, प्रेम करने वाले लोग हैं वर्तमान में, कहेंगे कि हां वृंदावन में भी हमारे साधना के लिए हमारा प्यारा सा लाडली निकुंज वन का वो स्थान, दिव्य स्थान जहां हम अपनी साधना कर सकते हैं। दुनिया में पर्वत बहुत हैं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट हैं, पर कामतगिरी और गिरिराज जी से पूज्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता। नदियां बहुत हैं, पर गंगा यमुना से पवित्र कौन हो सकती है। पौधे बहुत हैं, पर तुलसी और बिल्व पत्र से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में लोग बहुत हैं, वृद्ध बहुत हैं सेवा करने के योग्य, पर माता पिता से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में देवता देवी बहुत हैं, पर हमारे इष्ट देव से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। दुनिया में साधु संत और ऋषि भी बहुत हैं, सभी प्रणाम के योग्य हैं, पर हमारे गुरुदेव से अच्छा कौन हो सकता है। ये भाव प्रत्येक जीव के भीतर में होना चाहिए। यही भाव आज उपमन्यु को, आरुणी को, सहजो को, हरिश्चंद्र को और स्वयं परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो वह भी यही हमें सिखा के जाते हैं कि हर बार भगवान राम के वनवास के समय और भरत जी जब कह रहे हैं वापस आओ तो एक ही बात टाल देते हैं बार 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 राम जी कि गुरुदेव भगवान की जैसी कृपा होगी होगी, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव से।